दोस्तों हमने क्रेटा 2024 मींस न्यू क्रेटा को मॉडिफाई किया है इंटीरियर में। इसमें हमने अपना अल्फा सीरीज का अल्फा 2 फैब्रिक लिया है और कलर जो लिया है कस्टमर ने वो है डार्क टेन। मींस ये हमारा डेमो का सीट आप देख लीजिए, सेम यही फैब्रिक सेम यही कलर कस्टमर ने कस्टमाइज करवाया दोस्तों। इसमें हमने डोर को भी लेदर रैप किया है, डैशबोर्ड को भी लेदर रैप किया है, स्टेयरिंग को भी लेदर रैप किया दोस्तों, और साथ में कस्टमर ने जितना भी इंटीरियर डार्क ग्रे में था सबको ब्लैक करवाया है। मींस पूरा इंटीरियर हमने दोस्तों ब्लैक किया हुआ है। कस्टमर को डार्क ग्रे बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्होंने कहा कि ये इसको आप निकाल दीजिए, आप ब्लैक कर दीजिए। लंबा प्रोसेस है ये, 6 से 7 दिन का प्रोसेस है, काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, लेकिन बहुत प्रीमियम उठकर आ रहा है इंटीरियर इसका, क्योंकि डैशबोर्ड बहुत कम लोगों ने किया है वो भी आप देखेगा, सीट कवर हमारा प्रीमियम होता ही है वो भी आप देखेगा, और साथ में हमने जो इंटीरियर ब्लैक किया है ना उसके उससे पूरा इंटीरियर का लुक ही चेंज हो गया दोस्तों। चलिए दिखाते हैं कार में कैसा लुक आया है। हाँ दोस्तों, देखने के बाद जाने से पहले सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों डैशबोर्ड पे काम चल रहा है, ये पूरा डैशबोर्ड निकल गया है, सीट का भी काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है अभी पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है दोस्तों इसको लगाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस पे हमने लेदर रैप किया है, ये कंडीशन है अभी, और दिखाते हैं कार में कि अभी कार में क्या कंडीशन है दोस्तों। अभी कंडीशन क्या है दोस्तों वो देख लीजिए आप लोग, ये डैशबोर्ड पूरा खुला हुआ है, इस पे लेदर रैप हो गया है, कंडीशन देखिए दोस्तों पूरा खोल दिया जाता है, और जितने भी डार्क ग्रे थे सबको हमने ब्लैक कलर किया है दोस्तों, लाइट ग्रे को छोड़कर जितने भी डार्क ग्रे थे सबको ब्लैक किया है, और डोर पे हमने अपना अल्फा सीरीज का लेदर लगाया है जो सीट कवर पे लगा है दोस्तों। कंडीशन देखिए, दिखाएंगे फिटिंग के बाद दोस्तों कि कैसा इसका लुक आया है इंटीरियर का। ये देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त काम हुआ है, ये फुल लेदर रैप किया है हमने दोस्तों। ये देखिए, बहुत स्पीड में बना रहे वीडियो क्योंकि रात होने वाली है, रात में पूरा प्रॉपर दिखेगा नहीं, इसलिए आपको अभी दिखा रहे हैं और बहुत स्पीड से दिखा रहे हैं दोस्तों। काम की क्वालिटी देखिए दोस्तों, ये फुल लेदर है दोस्तों, ये देखिए डैशबोर्ड देख लीजिए दोस्तों, ऐसा डैशबोर्ड अभी तक आपने नहीं देखा होगा, लेदर रैप किया है हमने इसको भी, और जितना भी डार्क ग्रे था इसमें से हमने निकाल दिया है, फुल ब्लैक कर दिया दोस्तों कार को। फाइनली हमारा सीट कवर देख लीजिए दोस्तों, जबरदस्त फिटिंग आई है दोस्तों, और लुक भी जबरदस्त लग रहा है क्योंकि इंटीरियर पूरा ब्लैक हो गया है, हाफ इंटीरियर पूरा ब्लैक हो गया है दोस्तों, पिलर से फुल ब्लैक किया है हमने इसको, इसलिए इसका लुक आप देखिए कितना प्रीमियम लग रहा है, कार कितनी प्रीमियम लग रही है दोस्तों ये छोटे छोटे काम करने से। ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त काम हुआ है और लुक बहुत प्रीमियम आ रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, बैक सीट का भी देख लीजिए इस साइड से कैसा लग रहा है दोस्तों, बताइएगा जरूर। आमरेस ओरिजिनल ही बनाते हैं, वो भी आपको दिख रहा होगा। इस साइड से भी देख लीजिए दोस्तों, फिनिशिंग देखिए, क्वालिटी देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त आई है। ये देखिए टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन क्वालिटी निकल कर आती है हमारी, और फिनिशिंग हमारी आपको समझ में आ रही होगी कैसा हमने काम किया है। रात हो रहा है दोस्तों, बहुत स्पीड से बना रहे हैं, कुछ समझ में अगर नहीं आया दोस्तों तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स करके, हम मैं बता दूंगा। फुल ब्लैक किया है, फाइबर जितने भी है दोस्तों सबको हमने मींस जहां पर भी डार्क ग्रे था, कार पूरी खोली गई थी, पूरी ओपन कर दी थी हमने इसको, उसके बाद हमने सब पेंट किया है, जिधर डार्क ग्रे था उसको फुल ब्लैक किया है दोस्तों। ये देखिए इस साइड से भी देख लीजिए ऐसा लग रहा है दोस्तों, बताइएगा जरूर।
काम की क्वालिटी कैसी है और कितना जबरदस्त फिट हुआ है, किस फिनिशिंग में काम हुआ है दोस्तों, वो देख लीजिए आप लोग। फाइनली ड्राइवर साइड का भी देख लीजिए दोस्तों, क्वालिटी देखिए, फिनिशिंग देखिए, क्या जबरदस्त फिनिशिंग में काम हुआ है, ये देखिए दोस्तों। एयरबैग फ्रेंडली सीट पर बनाते हैं इसलिए एयरबैग की बैजिंग भी लगाते हैं दोस्तों, और एक एक भागे की फिनिशिंग देखिए, क्वालिटी देखिए दोस्तों। स्टेयरिंग को भी हमने लेदर रैप किया है, ये ग्रे आता है, इसको भी ब्लैक किया है हमने, कोई भी पार्ट आपको ग्रे दिखेगा नहीं दोस्तों, जितना डार्क ग्रे था सबको हमने ब्लैक कर दिया है। और इंटीरियर देखिए कितना जबरदस्त लुक उठ कर आ गया है दोस्तों, आर्मरेस्ट पे भी हमने फैब्रिक लगाया है और स्टिचिंग की फिनिशिंग देखिए दोस्तों। दोस्तों अब आप लोग बताइएगा कि हमने कैसा काम किया है, कैसा लुक उठकर आ रहा है सीट फोर का या इंटीरियर जो भी हमने किया है, बताइएगा जरूर दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।